हेलो हेलो। फिलहाल लाइट के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चा को। हम सोचे क्यों ना 10-15 को न्यूमेरिकल तुम लोग का करवा दिया जाए। ठीक है, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप समझने की चेष्टा करें। ये हमेशा चला जी ध्यान रखिएगा, कि अवतल दर्पण दर्पण अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में एफ का मान निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में एफ का मान पॉजिटिव होता है। ये फिक्स है, याद ना रहे तो ऐसे याद कीजिए। अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसे ऐसे इस साइड होता है फोकस तो नेगेटिव, उत्तल लेंस ऐसा होता है तो इस साइड फोकस होता है, इस साइड फोकस होता है पॉजिटिव। बोलो हाँ जी। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन दर्पण एंड इन लेंस। दर्पण हो या लेंस हो, सब में निगेटिव होगा। ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, यू इज ऑलवेज निगेटिव। अब चला, अगर हम अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, यू का मान निगेटिव होगा चाहे वो दर्पण में हो या लेंस में। अब रही बात भी की, तो भी का झोल है। भी का झोल क्या है कि दर्पण के केस में, किसके केस में, किसके केस में, दर्पण के केस में वास्तविक होगा तो निगेटिव होगा और काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा, और लेंस के केस में कि इन द केस ऑफ लेंस वास्तविक होगा तो पॉजिटिव होगा और काल्पनिक होगा तो निगेटिव होगा। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। अवतल दर्पण अवतल लेंस एफ का मान निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस एफ का मान पॉजिटिव होगा। यू ऑलवेज बी निगेटिव इन दर्पण और इन लेंस बोथ। भी दर्पण के केस में वास्तविक निगेटिव होगा, काल्पनिक पॉजिटिव होगा, और लेंस के केस में वास्तविक पॉजिटिव होगा, काल्पनिक निगेटिव होगा। ए एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एग्जाम हॉल में ये सब नहीं याद रहेगा, हम लिख तो दिए हैं लेकिन एग्जाम हॉल में ये आपको याद नहीं रहेगा। इसका उपाय क्या है, देखिए हम लोग कैसे रिकॉल करते हैं, आप भी वैसे ही रिकॉल कीजिए। यू के बारे में सोचना नहीं है, हमेशा निगेटिव होगा। रही बात दर्पण फोकस का, तो फोकस का आप ही ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस है तो निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस है पॉजिटिव होगा। हम लोग ये इससे डिफाइन करते हैं, जैसे हमको लेंस की बात आती है ना कि फोकस पॉजिटिव की निगेटिव, हम कहते हैं अच्छा उत्तल लेंस होगा तो इसे होगा, इसे होगा तो फोकस इधर होगा, फोकस इधर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव हो जाएगा, अवतल दर्पण में इधर होता है इधर होता है तो निगेटिव होगा, तो अवतल दर्पण अवतल लेंस में निगेटिव होगा। अब अगर भी के बारे में आपको सोचना है तो आप ये सोचिए कि दर्पण में मामला सीधा रहता है, लेंस में उल्टा हो जाता है। वास्तविकता हमेशा निगेटिव होती है, काल्पनिक हमेशा पॉजिटिव होता है, कल्पना हमेशा पॉजिटिव होती है और वास्तविकता हमेशा निगेटिव होती है। तो हम कहेंगे भैया दर्पण है, दर्पण है तो वास्तविक है तो निगेटिव होगा, काल्पनिक है तो पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा इसमें हो, इतना आपको सेट करना होगा क्विक एक्शन 500 के लिए। एकदम क्विक एक्शन चाहिए तो उसके बाद पहले इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जकर मुंह से सुनो चला इतने बात हो रहा है। एक तो मैं ये दर्पण और लेंस में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का हम वीडियो डाल दिए, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास भी है। हो गया? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप अभी बता रहे हैं एग्जाम के बाद, चला एग्जाम से पहले इससे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आप पढ़िएगा तब ना। किताब में महा बेहतरीन तरीके से अवतल दर्पण लेंस अलग अलग लिख दिए, ऐसा नहीं कि अभी बता रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं फिर बता रहे हैं। एक बार नहीं बताए हम, जब न्यूमेरिकल का सारा टाइप करवाए हैं वहां भी सारा कुछ करवाए हैं। किताब पलटिएगा इस सब मिल जाए। आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको देखना है चला आवर्धन क्षमता, इससे भी बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। आवर्धन क्षमता बराबर माइनस वी बाई यू होता है। वी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। यू क्या है चला? वस्तु दूरी। यहां से आइएगा तो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आप बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर m का मान प्लस है तो क्या है? काल्पनिक की वास्तविक, और m का मान माइनस है तो क्या है चला? वास्तविक। अब बताओ इसको हम हाइट ऑफ द इमेज आप बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बता समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है कि छोटा बड़ा बनता है? तो बराबर बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर आवर्धन क्षमता एक हो जाएगा। बोलेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? ये जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? हो गया? आगे बढ़े। अब आते हैं चला जी सवाल पर। 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है चला? वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। तो चला इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब चला उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस मतलब कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव अभी तुरंत बताए थे, तो एफ का मान हो गया प्लस 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है ना, एफ का मान हो गया चला प्लस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी यू का मान तो ऑलवेज माइनस 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी भी का मान क्या होगा? नहीं निकल जाएगा जरा सा, लेकिन यू और भी के साइन में गड़बड़ कीजिएगा नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन फॉर्मूला लगाना? लेंस फॉर्मूला में होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/s, यही होता है लेंस सूत्र, ये होता है चला लेंस सूत्र। एक होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है चला दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, u और f का वैल्यू पुट कीजिए, भी निकाल लीजिए, निकल जाएगा। जल्दी से निकाल के कमेंट कीजिए क्या आया आंसर।
आंसर कितना आया 16.6 आ जाएगा। इसमें एफ और यू का वैल्यू यहां रख दीजिए, भी का मान निकाल लीजिए, 16.6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चला कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। अवतल लेंस है मतलब यह ऐसा है, अवतल लेंस है चला, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव की इस साइड होगी, एफ का मान हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव माइनस 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है यानी भी बन रहा है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल लेंस में इधर बनेगा, इधर बनेगा तो माइनस होगा कि प्लस होगा, तब बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है यू का मान हुआ 1/v, आप प्लस 1/u बराबर 1/f लगा दीजिए आंसर। बोलो हाँ या ना, भी कैसे माइनस हुआ, इसमें प्रतिबिंब जब भी बनता है इधर बनता है काल्पनिक, हाँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको चला जी f और v पता है, u निकालना है, पुट एंड गेट द रिजल्ट। अगला क्वेश्चन, अतः 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण चला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा होता है मतलब इसका फोकस दूरी इस साइड होगा, इस साइड होगा मतलब f का मान हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर। 10 दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंब मतलब वस्तु, u का मान माइनस 10 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस 10 होता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो चला प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, कीजिए ज्ञात। पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति भी निकाल लीजिए, अभी निकाल के देखिए कितना आता है, कितना आ रहा है, यहां फॉर्मूला लगाइए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यहां से भी निकल जाएगा कितना, कितना आ रहा है प्लस 20, प्लस 30 सेंटीमीटर। तो जब प्लस 30 आ रहा है चला तो बता क्या होगा, प्लस 30 से ई होगा नहीं, ई होगा नहीं तो यही ना हो जाएगा, अब प्लस आ रहा है, अब प्लस आ रहा है चला किधर गया, तो काल्पनिक हो जाएगा, ई हो नहीं होगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इस साइड बनेगा ना चला, इस साइड बनता है इसका प्रतिबिंब यहां पी और एफ के बीच में, हो गया, अरे हुआ। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान हो, ऐसे भी जब ये समतल दर्पण को आ दिया मतलब प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी समान हो, बोलो ने, अगर समतल दर्पण को दिया था प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होगा समान, आवर्धन का मान कितना होगा, ये आंसर। कहता है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, तो चला बिंब है मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना हो, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है का उत्तल दर्पण है, तो एफ बराबर r/2, एफ का मान 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, उत्तल है तो उत्तल है चला तो ये ऐसा होता है फोकस इस साइड बनता है, तो प्लस की मैं ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यू का मान हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए, तो स्थिति ज्ञात करने के लिए तो भी निकालना होगा, बोलो ना रे, भी निकाल दीजिए, अब भी ये निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, कॉल क्या करेगा, हमने सिखा रहा 60/7, चुप कॉल करो, चौड़ मल कितना आया 8.57 आया, ये आ जाएगा जब फॉर्मूला लगाइएगा, आप दर्पण है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f,
यहां से चला जी आ जाएगा भी का मान 8.57 सेंटीमीटर। अब अगर आप चाहते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना, अगर मान लो चला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पूछता तभी तो ये पूछ दिया, यहां से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन यो कैसे आएगा तो आपको पता है चला कहता 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आपको पता नहीं आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस वी बाई यू अब बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलिए यहां से हम लिखेंगे माइनस ऑफ वी, वी कितना आया 8.5 हाँ ठीक तो है 8.57। अब बट U का मान कितना है माइनस बीस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज कितना है, अब छोटा हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, देखो नहीं करता है नहीं, आंसर बताओ बोलिए आंसर जल्दी से 2.1 आ रहा है आंसर, यहां से हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा चला 2.1। इतना डीप में अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ देगा तो बना देना। हो गया सत्तर सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, अच्छा 7 सेंटीमीटर बढ़िया देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है कितना 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा होता है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है यानी एफ का मान है माइनस 18 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यू तो हमेशा लेंगे ना मैं माइनस 27 सेंटीमीटर तो किस दर्पण से कितनी दूरी पर उस पर्दे को रखें कि वस्तु पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी चला भी का मान क्या हो नहीं निकल जाएगा, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। आया हो गया आंसर निकाल लीजिएगा ना 1/v + 1/u = 1/f बता आंसर। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता इतनी है, तो जब ये चला -2 डायोप्टर है तो बता क्या होगा, f बराबर 1/p -50 सेंटीमीटर क्या होगा बताओ, माइनस में है तो माइनस है तो किस प्रकार का लेंस होगा अवतल ना, आंसर जगह फोकस माइनस होकर पावरो माइनस बोलेंगे, ये जो हम यहां बताए हैं गौर से देखिए, यहां बताए हैं ना कि बाबू सोना सुगनिया जकर फोकस माइनस होकर पावर भी माइनस, आ जकर फोकस प्लस होकर पावर प्लस बोलन, क्योंकि P बराबर 1/f होता है, F पॉजिटिव तो P भी पॉजिटिव, F निगेटिव तो P भी निगेटिव। अगला क्वेश्चन कोई डॉक्टर इतना डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, नहीं बन जाएगा अभी सारी है कि अब सारी है, चला जब प्लस में है तो प्लस में है इसका मतलब उत्तल लेंस ना होगा, उत्तल लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, बोलवे नहीं करे तो फॉर्मूला लगाइए f बराबर हो जाएगा 1/p तो f बराबर हो जाएगा 1/1.5 10/15 कितना होगा
कितना है सेंटीमीटर में, तो दिया हुआ नहीं है सेंटीमीटर में, लेकिन निकालने के लिए कह रहा है। इसको सॉल्व कीजिए ना, कितना आता है। बात छोटा, ये मीटर हो गया, अब अगर सेंटीमीटर में बदल दो कितना हो जाएगा, 10/15 × 100, 1000/15, 66.6। अभिसारी की अपसारी, अभिसारी क्योंकि चला ये सभी किरणों को उत्तल लेंस से एक जगह कन्वर्ज करता है, अभिसारी। हो गया, हम ऐसा कलेक्शन चला दिए हैं कि सब टाइप पकड़ा ए टू जेड। अगला बता आंसर, क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बता फोकस पॉजिटिव की निगेटिव, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा है, यू का मान हो गया -20 सेंटीमीटर, तो उसका प्रतिबिंब भी का मान क्या होगा, क्या होगा नहीं कह रहा, कैसा होगा ये पूछ रहा। तो चला देखो, 10 सेंटीमीटर फोकस है, अब 20 पर वस्तु है, यानी वक्रता पर वस्तु है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, वक्रता पर वस्तु है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, बुझा रहा है। 10 फोकस है, 20 पर वस्तु है, इसका मतलब 10 के डबल पर है, फोकस के डबल पर, यानी वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बने। हो गया, मैंने सेवे करेगा ना, वक्रता केंद्र पर क्या बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, यू का मान तो सोचने में है -30, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की, लेंस के बराबर दूरी पर, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बराबर दूरी पर बनता है, चला इसका मतलब भी हो गया क्या, लेकिन प्लस की मैंने प्लस लेंस में है, इस साइड बने बोलन रे, आप कह रहे हैं फोकस दूरी ज्ञात करें, कितना आएगा देखो, जो आएगा वो आंसर होगा। हो गया, फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 1/v -1/u आप बराबर 1/s, माइनस लगाइएगा, लेंस है, हाँ ठीक है। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, लेंस की क्षमता क्या होगी, तो चला p = 100/f ना, 100/f, f का मान कितना है 30, कितना हो जाएगा प्लस 5 आफ्टर एग्जाम से, सही है ना। अगला क्वेश्चन, तीस सेंटीमीटर वक्रता के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब चला वक्रता त्रिज्या दिया है, तो फोकस हो जाएगा कितना, 30/2, अर्धव्यास का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में इस साइड में फोकस होता है, तो निगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा मतलब +15 सेंटीमीटर, कहता है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखा हुआ, यू का मान हो गया -30, तब मोमबत्ती के प्रतिबिंब में दूरी क्या होगा, भी का मान हुआ, ए 30 सेंटीमीटर वक्रता अर्धव्यास है, 15 हो गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यू हो गया, भी निकालना है, बोलो कितना डाउट है, डाउट है, यहां माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, 30 आ जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/v + 1/u = 1/,
रिजल्ट हो गया। हो गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, बहुत बढ़िया बात है। एफ बराबर माइनस 50, 50 से एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, भी का मान निकालिए ना कितना आता है, भी का मान ही निकल जाएगा उसी से क्वेश्चन बन जाए। और मैं लगाइए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आंसर आ जाएगा कितना। प्लस 50 आ रहा है, माइनस 50, पीछे वास्तविक कहने का मतलब इधर एक और है, वास्तविक कह रहा है ना, तो वही बात है, पीछे में कहना चाहिए था इसको, पीछे तो इधर ना हो जाए, लेकिन चलो वास्तविक कह रहा है ना, नॉन ऑफ दी तो ऑप्शन में है नहीं। एक दंत चिकित्सक को अवतल दर्पण की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर, फोकस एफ बराबर अवतल दर्पण है, और नहीं वो कहता ना अवतल दर्पण, तो दंत चिकित्सक अवतल ही दर्पण यूज करता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 सेंटीमीटर, और दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या, ये बताओ यू है कि भी है, यू है माइनस 2 सेंटीमीटर, यहां से भी निकाल लीजिए, और भी निकाल के एम बराबर माइनस भी बाई यू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए भी कितना आ रहा है, 6 आएगा, का मान आता है प्लस 6 सेंटीमीटर आ रहा है, यहां रखिएगा माइनस ऑफ 6 बटा माइनस ऑफ 2, होगा एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन पैदा होता है, हम बोले थे अभी तुरंत प्लस 1 या माइनस 1 भी देगा तो वो हो जाएगा, चलो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक तो काल्पनिक होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है आंसर। तुम लोगों में प्लस 2 है क्या, ठीक कर लो, यहां पर हो जाएगा प्लस 1, क्यों, क्योंकि m बराबर जो होता है चला हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दोनों बराबर ही ना होगा, 10/10 इज इक्वल टू कितना 1, आ काल्पनिक होगा तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव, वास्तविक होगा तो आवर्धन क्षमता निगेटिव। ये चला इतना सारा वेराइटी है जो हम आपको करवा दिए हैं, अब आपके अंदर अगर सोचने समझने की शक्ति होगी तो आप क्वेश्चन बना ले जाओ, और ऐसा नहीं है चला कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से भी किताब में है, हम इसको अलग तरीके से थोड़ा कलेक्शन करके आपको पढ़ा दिए, ठीक है, अब आप जाइए और आराम से इसका एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हिम्मत करके बनाइएगा और टाइम दीजिएगा जितना मैथ में टाइम देते हैं, तब बन जाएगा, और नहीं बनाइएगा तो मामला गड़बड़, टाइम नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, इसलिए टाइम देके इस क्वेश्चन को बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।